नमस्ते आदाब सच्चेकाल और हेलो, क्या हाल चाल है। व्लॉग चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, व्लॉग्स बाय सुलेमान, और आप मिस कर रहे हैं हमारे डेली व्लॉग्स। और आज और एक जो आप लोग हमसे देख रहे हैं वो सब्सक्राइब नहीं करे तो यार उसको सब्सक्राइब भी करना होता है, लाइक भी करना होता है, शेयर और कमेंट तो आप लोग करते हैं। हाँ, तो आज बड़े मज़ेदार रात को 11:30 बजे आपके इंडियन टाइम पे, इंडिया के टाइम पे आएगा व्लॉग। उसमें बची है सुलेमान के साथ क्या हुआ है वो आपको व्लॉग देखना पड़ेगा। इसने बड़ा जुल्म किया। बहरहाल यार सुबह बल्कि शाम से दोपहर 2-3 बजे से एक वो पोस्ट मैंने देखी कि 6 बजे जी कल्कि का रिलीज ट्रेलर आ रहा है। मेरे लिए बड़ी एक सरप्राइज़ था क्योंकि मुझे नहीं पता था कोई रिलीज ट्रेलर भी आना है, और टाइमिंग लिखी हुई थी 6 बजे की। अब मैं क्या करूं जी, 6 बज गए ट्रेलर नहीं आए, 7 बज गए ट्रेलर नहीं आए, 8 बज गए ट्रेलर नहीं आए, तो फिर अब जाके कहीं ट्रेलर आया। और अभी तक सिर्फ जिस टाइम हम देख रहे हैं सिर्फ तेलुगु में आया है, बाकी लैंग्वेजेस में नहीं आया है। तो हम लोग क्या करेंगे, आज तेलुगु में देख लेते हैं विद सबटाइटल, कल हिंदी में तो अभी आ जाएगा थोड़ी देर में, लेकिन कल हम इसका हिंदी वाला अगर आप कहेंगे तो फिर से लेके आएंगे, क्योंकि हिंदी हमें भी ज़्यादा सही तरीके से समझ आती है। तो पूरा 2.5 मिनट का ऑलमोस्ट ट्रेलर है, बड़ी एक्साइटमेंट है क्योंकि मूवी की रिलीज भी अभी करीब है। देख लेते हैं, देखने के बाद आपसे करेंगे डिस्कशन। अश्वत्थामा, समय वच्चिंदि, द टाइम हैज कम, भगवंतुनि कल्पना समस्त सृष्टि भगवंतुड़े। हाँ, तुम्हारी कोक में है भगवान। रेपटी चंपते रेपे उपड़ता, मैं तुम्हें बचाऊंगा। वन शॉट कॉम्प्लेक्स के पता, क्या कमाल विजुअल्स हैं यार। सर एक चाल, जवान वाली लुक आई थी, हाँ कितनी कमाल थी ना। इन्नी युगालाई ना इन्नी अवकाशाले चना कमल हसन, मनुष्य मारडू मार लेडू। ओय होय होय कमल हसन जी कटे कलयुग। ये वो बोलते हैं घोड़ा वोड़ बुच्ची, ओ ओ बुच्ची तो पूरी वो है बीस्ट। अब मुझे थोड़े ये सर प्रिपेयर रहे हो चन दा ओए ओए, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि प्रभास के अमिताभ बच्चन की साइड पे हैं। नहीं अच्छा, इससे पहले कि हम इस ट्रेलर में बात करें, लाजवाब था, गूज बम्प्स थे, और स्पेशली वो जो एक सॉन्ग आया ना एंड पे वो भी बहुत अच्छा था। हाँ, अब मैं बात करता हूँ, याद है हमने जब इसका टीजर देखा था तो दीपिका दुश्मनों के उसमें थी और हमने कहा था ये क्या है, शायद ये वो कर रही है, नहीं, है। लेकिन वो शायद उनको पकड़ा हुआ था। हाँ, तो वो हो सकता है पकड़ लिया हो या वो कुछ मजबूरी में हो। मुझे सबसे अच्छा एक सीक्वेंस लगा, एक सीन आया कि जब अमिताभ बच्चन का जवानी, हाँ एकदम से उनका वो पास्ट आता है, एकदम से मेरे ख्याल से प्रभास उनको फेंकते हैं और एकदम से एक ब्लिंक में आता है अमिताभ बच्चन का वो जवान अश्वत्थामा वाला लोग। कमल हसन पहचाने नहीं गए। ओए ओए कमल हसन यार, क्या पहचाने नहीं गए। ओए हो बिल्कुल उनका जो हेड बनाया हुआ है ना। अच्छा, इसमें अमिताभ बच्चन वही दीपिका को बोलते हैं कि टाइम आ गया है और बाकी है कि मैं तुम्हें बचाऊंगा और तुम्हारी कोक के अंदर जो है वो गॉड खुद हैं। तो लेकिन प्रभास जो है वो दीपिका के पीछे हैं और कम
अमिताभ बच्चन अश्वत्थामा उनको बचा रहे हैं और में भुजी आती है। यार जो विजुअल्स थे ना, जो एक अलग पूरी वो बनाई हुई है दुनिया से, जाली सी है लोगों में, लोग उसको खोलने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे तो अमिताभ बच्चन की एक तो उनकी आवाज़ तो दमदार है ही, उनका पूरा गेटअप और स्पेशली जो उनको एक झलक आई थी, अगर आप पॉज करके देखें, यंग अमिताभ बच्चन क्या लाजवाब बनाए थे। और कमल हसन ड्यूरिंग फाइट ना, उनकी जो यहाँ पे मणि होती है ना, मणि वो जल रही होती है। एक्शन सीक्वेंसेस जहाँ पे कमल हसन की एंट्री हो रही है वो सारा, अब अगर आप देखें पानी है और एकदम से एक गोले में वो बैठे, थ्रू आउट एक दूसरी साइड पे, हाँ प्रभास लेकिन हो जाएंगे साइड पे थोड़े टाइम बाद। अच्छा एक जगह दिखाते हैं कि एक लेडी है व्हाइट कपड़ों में ना, तो एकदम से उनके पेट में आके तीर लगा, हाँ। तो प्रेग्नेंट होती हैं। अब ये नहीं पता कि उसके भी पास के साथ लिंक होगा, हाँ। और जो ये वर्ल्ड दिखाया ना, ये एक जगह एक चीज भी कहीं फेक नहीं है, सब रियल है। और जिस तरह वो प्रभास आते हैं किस टाइम पूरा, हाँ, मतलब इतना रियल वो, इतना अच्छा वो है कि सब रियल लग रहा है। और प्रभास के एंड में कहते हैं मैं आज तक कुछ हारा नहीं, और वो बुज्जी का वो बीस्ट आता है पूरा प्रभास, और अमिताभ बच्चन से शायद वो लड़ने आ रहे हैं ना, कमाल है। मुझे लगता है कि एंड में जाके प्रभास अमिताभ बच्चन के साथ, हाँ प्रभास शुरू में किसी वजह से होंगे इस तरह से, लेकिन वो बीच में जब उनको एहसास होगा शायद, जो हम सोचे उससे ऑपोजिट है, हाँ, प्रभास ये तो साथ हूं, हमारी सोच है, हाँ, प्रिटेंड कर रहे हो, प्रिटेंड कर रहे हो, कुछ भी हो सकता है। तो यार मुझे बहुत अच्छी फील्स हैं इस मूवी से, और मुझे लगता है कि बहुत कमाल बिजनेस बॉक्स ऑफिस पे करेगा। जो कमल हसन को बनाया है ना, मतलब वो लिटरली पहचाने ही नहीं जा रहे कि वो लाजवाब, उनका चेहरा जो बनाया है और मूवी पे लगा है, बहुत पैसा लगा हुआ है। तो यार आपकी क्या फीलिंग है रिलीज ट्रेलर को देख के, जो कि एक सरप्राइज था, हमें नहीं पता था कि ये भी आना है, आपकी क्या फीलिंग है बताइएगा। अगर आप चाहते हैं कि हम हिंदी में भी इसको देखें तो कल हम आपके लिए लेकर आएंगे। दैट्स इट, अच्छा लगा तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, लेटेस्ट फोटो स्टोरीज अपडेट सब कुछ आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। इसी तरह हम आपके लिए लाते रहेंगे न्यू एंड डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शंस।